लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू टू सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। कोई ऐसा पॉइंट जिथों आप दो सर्कल्स नू टेंजेंट्स बनाइए तो दोनों टेंजेंट्स की होन दे आर इक्वल इन लेंथ, दैट विल बी कॉल्ड दैट लोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। ठीक है, मान लो कि मेरे को एक सर्कल है सी वन, दूसरा सर्कल है मेरे को सी टू, लेट देयर बी अ पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एच कॉमा के एंड वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट फॉर पी ए एंड पी बी। ठीक है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। अगर की होवे इफ पी ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी बी, लोकस ऑफ पी विल बी रेडिकल एक्सिस। ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। दो टेंजेंट्स की लेंथ की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम रहेगी हमेशा तो दैट विल बी कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। ठीक है, मान लो कि ये वाला सर्कल की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मान लो ये दो सर्कल्स ने अपने को ले, अगर मैं पॉइंट पी विच इज एच कॉमा के, अगर एच कॉमा के तो इस सर्कल को टेंजेंट बनाऊंगा तो वट इज इट्स लेंथ, वट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर किसी पॉइंट तो सर्कल नू टेंजेंट बना रहे हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट, अंडर रूट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट की होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो व्हाट विल बी पी ए, पी ए विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन द अंडर रूट। And what will be PB? That will be h square plus k square plus 2g2h plus 2f2k plus c2 and its under. So radical axis the definition ki kehndi hai apan nu ke length of tangent should be same. So means PA should be equals to PB. So PA equals to PB rakhange if PA is equals to PB. So h square plus k square plus 2g1h प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच प्लस टू एफ टू के प्लस सी टू। एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर गया किया एच टू एच जी वन माइनस जी टू प्लस टू के एफ वन माइनस एफ टू प्लस सी वन माइनस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए की करते हैं आप, रिप्लेस एच बाय एक्स एंड के बाय वाई। तो 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू जीरो। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। एंड देखने से पता लग रहा है x भी लीनियर है y भी लीनियर है एंड देयर इज सम कांस्टेंट टर्म, तो मींस इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। The radical axis of two circles will always be a straight line and it will be formed by 2x g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 equals to 0. Okay, so this will be the equation of radical axis. Definition ki hai, agar koi aisa point apanu mile jithon apa tangents banaiye do circles nu dono di length hamesha ki rehni chahiye same and that is a movable point, to us point de locus nu apan ki keh dinne hai radical axis। पी ए लेंथ ऑफ टेंजेंट की होंगी है अंडर रूट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट, अंडर रूट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट दोनों इक्वेट किया तो अपने को ये चीज़ निकल के आई। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, जिमें आप पिछले क्वेश्चन लिखे से उन्होंने चो सिंपल अगर मैं तुम्हें कहवा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करो तो जी वन माइनस जी टू एफ वन माइनस एफ टू सी वन माइनस सी टू तीनों चीज़ें कैलकुलेट करो इक्वेशन पुट करो तो रेडिकल एक्सिस आ जाए। ओके, लिख लो फिर ये क्वेश्चन कर दें।
locus of a point, if tangents drawn from it to two circles are always equal in length, that point, locus of that point will be called radical axis. प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, ठीक है। कुछ एक दो ऑब्जर्वेशन ने जिहड़ियां आपां नूं याद रहनियां चाहीदियां अबाउट रेडिकल एक्सिस। मान लो दिस इज सर्कल सी वन एंड दिस इज सर्कल सी टू। What will be the equation of common chord of C1 and C2? Kal apa kita si equation of common chord of C1 and C2. How to find that common chord? Kal hi kita si apa equation of common chord find out karan de layi main tuhanu naal yaad karan da tarika vi dassya siga ki second degree terms nu eliminate kar do. Second degree terms nu eliminate karan da ki tarika hunda ki dohna nu subtract kar do. दोनों नूं सबट्रैक्ट करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे तुहाडे कोल एक्स वाई एंड कॉन्सटेंट बचेंगे दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉड है ना। हुण अगर तुसीं इन्हां दोनों की कॉमन कॉड फाइंड आउट करन की कोशिश करोगे तो की होएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गए टू एक्स जी वन माइनस जी टू प्लस टू एफ एफ वन माइनस एफ टू प्लस सी वन माइनस सी टू इक्वल्स टू जीरो। मतलब इन टोटल तुहाडे कोल जिहड़ी कॉमन कॉड निकल के आई है की है वो रेडिकल एक्सिस ही तां निकल के आई है। तो की होएगा फर्स्ट पॉइंट विल बी रेडिकल एक्सिस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज देयर कॉमन कॉर्ड, इज देयर कॉमन कॉर्ड एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय की होंगे सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज देयर कॉमन कॉर्ड एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे किदां दे, मान लो इदां दे सर्कल्स ने दो अपने कोले, लेट दिस बी एनी पॉइंट लाइंग ऑन द कॉमन कॉर्ड, लेट दिस बी पॉइंट पी ए बी, लेट दिस बी पॉइंट क्यू एंड लेट दिस बी पॉइंट आर। ऑब्जर्वेशन है कई बार कम आई है याद कर लो दैट पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू इन टू पी आर, ठीक है। पी ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर पी क्यू इन टू पी आर। पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर होना तो लाजमी सीगा, ता ही वो कॉमन कॉर्ड है, ता ही वो रेडिकल एक्सिस है। बट ये चीज़ तुम्हें याद कर लेनी चाहिए है नाल कि दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी क्यू इन टू पी आर, ठीक है। सिमिलैरिटी के कंसैप्ट लाओ, कॉन्करेंसी लाओ, एक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट्स लगाओ, ये सब कुछ प्रूव हो जाएगा दैट पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इन टू पी आर, ठीक है, याद रख लो। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। ये वाला सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, रेडिकल एक्सिस अगर इदा जा रही है तो दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सी वन एंड सी टू, ठीक है।
रेडिकल एक्सेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स जिदी और रेडिकल एक्सेस बन रही है। ठीक है, देख भी सकते हैं अपना यदि स्लोप कितनी होगी, अगर सपोज मैं प्रूव करना हो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सेस जी माइनस ऑफ यदि स्लोप कितनी हो जाएगी एम इज इक्वल्स टू माइनस जी वन माइनस जी टू अपॉन एफ वन माइनस एफ टू। दिस इज माइनस जी वन माइनस एफ वन एंड दिस इज माइनस जी टू कॉमा माइनस एफ टू। ठीक है, एंड यदि स्लोप कितनी हो जाएगी एम ऑफ सी वन सी टू कितनी हो जाएगी अपने को माइनस जी वन प्लस सॉरी माइनस एफ वन प्लस एफ टू अपॉन माइनस जी वन प्लस जी टू। अगर देखोगे तो दोनों का ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा प्रोडक्ट माइनस वन आ जाएगा। तो मीन्स रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, देख लो एक बार बस जस्ट खत्म होने वाली है। मान लो दो सर्कल्स ने ये रेडिकल एक्सिस गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनी तो दिस विल बी बाइसेक्टेड बाय द रेडिकल एक्सिस। परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर का केड़ा होएगा दिस ए परपेंडिकुलर होएगा बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बाइसेक्ट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, देन देयर इज रेडिकल सेंटर। What is radical center? So no inquiry. Let there be three circles. Radical axis of these two circles will be like this. Radical axis of these two circles will be like this. Radical axis of these two circles will be like this. And they are going to intersect at a point. They will be concurrent at a common point. And this point P will be called radical center. That will be called radical center. Let us suppose this is C1, C2, C3. So what will be the equation of this radical axis? C1 minus C2. What will be equation of this radical axis? C2 minus C3 and equation of this radical axis C1 minus C3. So another point of intersection and that will be point P which will be called radical center. And it could only be, yeah, simply it could be obtained by C1 equals to C2 equals to C3 equals to 0. बस इन्हों सॉल्व करो तुहाडे कोले जो निकल के आएगा दैट विल बी द रेडिकल सेंटर। वही होएगा ना C1 equals to C2 equals to C3 equals to 0 दा मतलब की है कि इन्हों दोनों की रेडिकल एक्सिस बनाई सॉल्व कर लिया, इन्हों दोनों की रेडिकल एक्सिस बनाई सॉल्व कर लिया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन दैट विल बी द रेडिकल सेंटर। तीसरे दूसरे जिहड़े ये दो बचे है इन्हों के रेडिकल एक्सिस नू उहदे विच दी पास करना ही पएगा। ये हो ही नहीं सकता कि अगर इन्हों दोनों की मतलब आप पेयर वाइज चल रहे हैं सी वन सी टू सी टू थ्री सी थ्री अगर रेडिकल एक्सिस ये तो बनी है तो सी वन सी थ्री की रेडिकल एक्सिस नू उन्हां दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन के विच भी पास करना ही पड़ेगा, उसके कोले कोई होर ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन ने जोड़े रेडिकल एक्सिस के वो थोड़ू एज अ रेडिकल एक्सिस के क्वेश्चन नहीं मिलने, वो कॉमन कॉर्ड के क्वेश्चन ही मिलने। ठीक है, कॉमन कॉर्ड वाले कंसैप्ट के अंदर ही सारे हो गए। हाँ, थोड़ा पता जरूर होना चाहिए कि रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर की है। ओके, तो ये अपना सर्कल्स की होंगे वाइंड अप पूरा कुछ नहीं बचा जो आप नहीं पढ़िया। ठीक है, सर्कल्स कंप्लीट है, असाइनमेंट यदि कंप्लीट करो, एक दो दिन असाइनमेंट सॉल्व करो, then we'll start with parabola. Okay.